हेलो फ्रेंड्स, आज मैंडीज़ किचन में मैं मनदीप आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे काले चने। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, इसके लिए एक कटोरी चना लिया है जिसे मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह मैंने आधा चम्मच नमक डाल के उसे भिगो दिया, बॉयल कर दिया है इस तरीके से, और इसका पानी अलग से निकाल लिया है। और लिया है मैंने दो प्याज, मोटे प्याज लिए हैं, 3 से 4 ग्रीन चिलीज ली हैं, 2 से 3 मैंने तेज पत्ता लिया है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, और हरा धनिया जो होता है, हम जब हरा धनिया लेते हैं तो हम उसे धनिया पत्ते पत्ते निकाल देते हैं, और जो मोटी डंडियां होती है इसे हम फेंक देते हैं, बट हम आज हम इसे फेंकेंगे नहीं, ये धनिया की जो डंडियां हैं इनका हम इस्तेमाल करेंगे। ये तो ये इसको मैंने धो के यूज़ कर ली है। और मिक्स मसाला लिया है मैंने, जो उसमें है थोड़ी सी दालचीनी है, मोटी इलायची है, जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच मैंने फिर से नमक लिया है, 1.5 चम्मच सूखा धनिया, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 टमाटर लिए हैं। अब सबसे पहले मैं ये दो प्याज, हरी मिर्च और ये जो मैं हरा धनिया की मैंने डंडियाँ ली हैं इनको, ये खड़ा मसाला, इन सारी चारों चीज़ों को मैं मिक्सर में डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए, अब मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है और एकदम ये गरम है तेल। अब मैं सबसे पहले ये हींग डालूँगी, छोटी सी मैंने थोड़ा सा मैंने हींग ली है, ये हींग डाल दिया, हींग क्रैकल हो गई है, जो तेज पत्ता मैंने रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं, और ये पिसा हुआ जो मसाला है हमारा ये सारा इसमें डाल दिया। और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे, और जब तक मेरा ये मसाला तैयार हो रहा है तब तक मैं ये टमाटर और अदरक की मैं एक ये पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से एक टमाटर अदरक की पेस्ट बन। ये देखिए, हमारा मसाला काफ़ी भून गया है, इसमें पैन छोड़ने लग गया है, तो पूरा देखिए तेल जो है ऑयल पूरा कढ़ाई से छोड़ रहा है। अब मैं इसके अंदर ये जो लाल मिर्च पाउडर है ये डालती हूँ इसके अंदर, हल्दी, सूखा धनिया, नमक, और इन्हें एक अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और 2 मिनट भूनती हूँ। अब इसके अंदर मैं जो टमाटर और अदरक का मैंने जो पेस्ट बना लिया है वो इसमें डालती हूँ, और इसे 5 मिनट तक लगभग भून देंगे ताकि सारा जो मसाला है पूरा हमारा अच्छे से भून जाए। ये देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। मैं ये जो चने का पानी है थोड़ा सा ये इसमें डालती हूँ, अब ये जो हमारा मसाला बना है इसमें मैं चने बन गए, इसमें मैं चने मिक्स कर देती हूँ जो मैंने बॉइल किए होंगे। पाँच मिनट इस तरह मिलने के बाद मैं इसे कुकर में पलट दूंगी और 3 से 4 विसल दिलवा दूंगी ताकि मसाले के चने के अंदर पूरा मसाला घुल जाए और हमारे चने बहुत ही बढ़िया बने।
ये देखिए चने का मसाला तेल छोड़ने लग गया। अब हम इसको पूरे चने को हम इस कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और 3 से 4 फुल पे विसल दिला देंगे। पूरा मसाला हमारा चने का इस तरह बस 3 से 4 विसल दिला देंगे, मसाला और पूरा चने के अंदर घुस जाए और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। देखिए मैंने गैस बंद कर दिया था, अभी ठंडा हो गया, मैं इसे खोलती हूँ। ये देखिए हमारे एकदम फर्स्ट क्लास चने तैयार हैं, मसाला एकदम उसके अंदर घुल गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह डाल के सर्व करती हूँ इसे चावल के साथ।